चलिए हम नहीं आ रहा सर। चलिए क्वेश्चन हम देख चुके थे, यहां से आते हैं। अब यह क्वेश्चन जो दिया गया है, दो नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कुटपात जो है किसमें पाई जाती है, मैंने कुटपात जो है कौन से जीव में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है पैरामीशियम, बी है इंगुलिना, सी है अमीबा और डी है इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए इसका जो है हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएंगे सी, ऑप्शन नंबर सी अमीबा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ऑप्शन नंबर हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी पत्ती और ऑप्शन नंबर सी एस्टोमाटा और ऑप्शन नंबर डी जड़। इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द दें। चलिए इसका जो आंसर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरित लवक। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर देख लेते पहले, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ऑप्शन नंबर ए हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी लाल होता है और ऑप्शन नंबर सी नीला होता है और ऑप्शन नंबर डी सफेद होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में दें। चलिए सदा मथुरा पटेल जी हैं ए है, राकेश जी ए हैं, सुरुचि कुमारी ए, शिवांशिका राज ए। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए, हरित लवक का जो वर्णक का रंग जो होता है वह समानता कैसा होता है तो वह हरा होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है अगला जो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण कहां से होता है, या ऐसे पढ़े जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बाहर जो है ऑक्सीजन किससे निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जल से निकलता है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है और ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज से निकलता है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई से नहीं निकलता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में दें। जब तक पानी पी के हम जरा आराम कर लेते हैं। चलिए सोनू शर्मा जी ए, शिवांशिका राज ए, राकेश जी ए, निखिल पांच के ए, शर्मा जी ए, शिवांशिका राज ए, प्रभात कुमार ए, सर्वोत्तम कुमार जी हैं। चलिए अब आएंगे देखते इसका जो आंसर जो है वह आंसर करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है वह बाहर निकलता है किसे, तो आपका जो बाहर निकलता है वह जल से निकलता है। इसका जो आंसर जो होता है वह आंसर देख लीजिए, इसका आंसर जो है क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर जो ए है जिसमें दिया गया है जल। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो अगला जो क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, माने सीधे बताया जाए कि माने वैसा जीव जो अपना भोजन क्या बनाए स्वयं बनाता है वैसे जीव के लिए क्या आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, बी प्रकाश संश्लेषण, डी
जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका सी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका जो है डी इनमें से सभी। आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें। सरदार मथुरा पटेल जी डी, सुरुचि कुमारी ए, राकेश जी ए, निखिल डी, राकेश जी डी है, सब डी एन जी। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, तो इसका जो आंसर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण। मैंने सीधे क्वेश्चन है, निम्न में से स्वपोषी भोजन करने के लिए आवश्यक क्या है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो इसमें आपको तीनों जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएंगे वह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग इस लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन जो है यहां पर देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसका आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन पर चलते, अगला जो क्वेश्चन जो है जिसमें दिया गया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाई जाती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाई जाती है। बीच बीच चलिए यहां पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया 0.3%, ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया गया 0.03%, ऑप्शन नंबर सी 0.03%, ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया गया है 0.21%। इसका आप आंसर का, इस क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें। सोनू जी 7 के सी, राकेश जी बी, सुरुचि बी, शिवांश का राज बी, राजकुमार बी, राजकुमार ए, दिव्या भारती बी। चलिए अब इसका जो आंसर जो हो जाएंगे वह ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है, 0.03% है वह आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर जो है करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं, तो 8 क्वेश्चन में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण कब होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रात में होता है, ऑप्शन नंबर बी दिन में होता है, ऑप्शन नंबर सी रात दिन दोनों में हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सुबह और शाम में होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर जो हो जाएंगे वह करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह दिन के समय, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर जो है करेक्ट क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर जो 9 है जिसमें दिया गया है इनमें से किसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आप लोग इस चैनल का शेयर करें तथा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए यहां पर बात करते हैं इनमें से किसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, इनमें से किसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी वर्णिक लवक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कण में पाई जाती है, और ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कण में पाई जाती है। और आप इस क्वेश्चन का आप आंसर जानते हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दीजिए। चलिए सोनू शर्मा ए, शिवांश का राज ए, ब्यूटी कुमारी ए, चलिए
यहाँ पर देखते हैं, इसका जो आप आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल। इसका जो आंसर हो जाएंगे क्लोरोफिल जो ए है वह इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो 10 जो है इस पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हरे पौधे में पोषण किस विधि से होता है। हरे पौधे में पोषण किस विधि से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए परपोषी होता है, ऑप्शन नंबर बी स्वपोषी होता है, ऑप्शन नंबर सी परपोषी परजीवी होता है, और ऑप्शन नंबर डी प्राणी संभोजी होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में दीजिए। राकेश कुमार, निखिल कुमार 10 के बी, ब्यूटी कुमारी बी, शिवांश का राज बी, सुरुचि कुमारी बी, अशोक जी है बी, चलिए इसका जो आंसर हो जाएंगे वह आंसर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएंगे स्वपोषी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जो बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी स्वपोषी। हरे पौधे के लिए पोषण की विधि क्या है, तो वह होता है स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी जल की आवश्यकता नहीं होती है, और ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर इसका आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। सोनू शर्मा बी, प्रभात जी ए, प्रिया रानी ए, मंटू कुमार राज बी। देखिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक था क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश जो होता है वो आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण प्रकरण में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकरण में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है पानी का टूटना, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन का मुक्त होना, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना। आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें। डीएम राकेश जी बी, गणेश बी, प्रिया रानी सी, अशोक जी है 12 के ए, चलिए इसका जो आंसर हो जाएंगे इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह आपका आंसर जो है करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होना मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना मुक्त होना, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण प्रकरण में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यह अवशोषण करता है मुक्त नहीं करता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है निम्नांकित में से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। निम्न में से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर ए कुडपाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी परिवहन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भोजन रसदानी के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी केंद्रक के द्वारा। इसका आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कॉमेंट सेक्शन में दीजिए इसको।
चलिए इसका जो आंसर हो जाएंगे, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा कुडपाद। ऑप्शन नंबर ए है कुडपाद जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब यहां पर देखते हैं अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है जिसमें आपको दिया गया है कवक, कवक जो होता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी संभोजी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में दें। कांग्रेस राज बी, शिवंश का राज 14 के बी, गेमिंग ब्लॉक्स है जी बढ़िया है, निखिल 14 के बी, राजकुमार 14 के कौन था जी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, ऑप्शन नंबर बी कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो वह मृत जीवी विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे करेक्ट बी, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है एस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाई जाती है, एस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए तने में, ऑप्शन नंबर बी जड़ में और ऑप्शन नंबर सी पत्तियां में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई में नहीं। इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। चलिए कांग्रेस राज सी, चलिए ज्योति कुमारी 15 के सी, राज राकेश कुमार 15 के सी, रवि रंजन 15 के सी। चलिए अब इसका जो आंसर जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे सी, इसका करेक्ट जो आंसर है वह सी है पत्तियों में। इसका जो आंसर हो जाएंगे वह क्या है सी पत्तियों में। अगले क्वेश्चन पर बात अगला जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है प्रकाश संश्लेषण द्वारा की प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वसा का, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का और ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई का नहीं। इस क्वेश्चन का आप जवाब जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें। संगज कुमार जी है 15 के सी, 16 पर है छोटू, 16 के सी, 16 के सी। चलिए राकेश जी सी, शिवंश का राज सी, राकेश जी सी, कांग्रेस राज सी, शैलेश जी सी, निखिल राज सी, सोनू शर्मा सी, रवि रंजन 16 के बी, शिवंश का राज 16 के सी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह आंसर हो जाएंगे क्या सी, करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह सी है जिसका क्या है ग्लूकोज। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह क्या है सी, सी इसका जो है वह करेक्ट जो आंसर है वह ग्लूकोज हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 पर है। वह 17 क्वेश्चन में दिया गया है पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है परासरण का, ऑप्शन नंबर बी में है विसरण का, ऑप्शन नंबर सी में है वाष्प उत्सर्जन का और ऑप्शन नंबर डी में है परिवहन का। इसका आप आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में दें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कौन बच्चे का कैसा कैसा आ रहा है।
ऋतिक कसी, सदरा कसी, ज्योतिषी सोनू शर्मा सी, शिवांश का रा सत्रह कसी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिसरन। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो है बिसरन। इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है? बिसरन। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है जिसमें दिया गया है पौधे में बाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है, पौधे में बाष्प उत्सर्जन जो होता है वह किस भाग से होता है? ऑप्शन नंबर ए जड़ से होता है, ऑप्शन नंबर बी तना से होता है, ऑप्शन नंबर सी पत्तियां से होता है और ऑप्शन नंबर डी फूल से होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें। हम सभी का कमेंट देख रहे हैं जी। शिवांश का राज 18 के सी है, निखिल 18 के सी, कांग्रेस 18 के ए, शिवांश का राज 18 के सी, राकेश जी सी, ज्योति कुमार 18 का सी, संगज जी 18 के सी, प्रिया रानी 18 का सी, राकेश कुमार 18 के सी, राजकुमार 18 के बी, शैलेश जी 18 का बी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह आंसर हो जाएगा पत्ती। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट जो आंसर है वह क्या है? पत्ती है। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वह क्या है? पत्ती है। वो आप देख लीजिए यहाँ पर है कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है पौधे में जाइलम द्वारा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन फिर समझिए यहाँ पर, पौधे में जाइलम द्वारा खनिज पदार्थ का स्थानांतरण होता है ऑप्शन नंबर ए में नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी में ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर सी में ऊपर एवं नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर जानते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में दें। सभी बच्चे का हम कमेंट पढ़ रहे हैं जी। शैलेश जी सी, शिवांश का राज 19 के बी, संगत जी 19 के सी, राकेश कुमार 19 के सी, सोनू शर्मा, रविकांत कुमार 19 के डी, प्रिया रानी 19 के सी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे क्या? ऊपर की ओर। अगले क्वेश्चन में बात क्वेश्चन नंबर 20 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, माने पौधे में फ्लोएम जो होता है वो संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए भोजन का, ऑप्शन नंबर बी अमीबा का, ऑप्शन नंबर सी जाइलम का और ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड का। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जल्द से दें। ऋतिक जी ए ने 1, रवि रंजन 19 के बी, यहां 20 क्वेश्चन है छोटू, ज्योति कुमार 19 के ए, शिवांश का राज 19 के ए, राकेश कुमार 19 के ए, चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे आपका, देखिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो तरीके इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं यहां पर है नहीं, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए भोजन का। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है पत्ती में गैसों का आदान प्रदान होता है, सिरा से, रंध्र से, बी में मध्य सिरा से और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई से नहीं। तो इसका जो आंसर पत्ती में गैसों का आदान प्रदान जो होता है किससे होता है? सिरा से होता है, ए में, बी में रंध्र से होता है, डी में मध्य सिरा से होता है और सी में मध्य सिरा से और डी में इनमें से कोई से नहीं होता है। आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में दें। सही बच्चे का हम कमेंट देख रहे हैं जी। ज्योति कुमारी 21 के बी, रविकांत कुमार 21 के बी,
राजकुमार 21 के बी, कांग्रेस राज 21 के बी, ब्यूटी कुमारी 21 के बी, रितिक कुमार 21 के बी, शिवांशका राज 21 के बी। चलिए बढ़िया है, इसका जो आंसर हो जाएंगे, करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या, बी। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, बी। मैंने पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह रंध्र से होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जो होता है जिसमें देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधे को कहां से प्राप्त होता है। फिर से क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधे को कहां से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में भूमि से होता है, ऑप्शन नंबर बी में वातावरण से होता है, ऑप्शन नंबर सी में स्वयं होता है, और ऑप्शन नंबर डी में भूमि और वातावरण दोनों में होता है। इसका आप आंसर जानते हो तो कॉमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें। सही बच्चे का कॉमेंट हम देख रहे हैं जी। ज्योति कुमारी 22 के डी, संगज कुमार 22 के डी, राकेश जी 22 के डी, शिवांशका राज 22 के डी, शैलेश जी 22 के डी, सोनू शर्मा 22 के डी, निखिल कुमार 22 के डी, 22 के बी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि और वातावरण दोनों से जो होता है वह क्या करता है, वह प्राप्त करता है। कैसे करता है, ऑप्शन नंबर डी, भूमि और वातावरण दोनों से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है, मनुष्य जो होता है इसमें प्रमुख उत्सर्जन अंग है, तो ऑप्शन नंबर ए में रक्त है, ऑप्शन नंबर बी में वृक्क है, ऑप्शन नंबर सी में श्वेत ग्रंथियां है, ऑप्शन नंबर डी में अग्नाशय है। आप इसका आंसर जानते हैं तो सभी बच्चे का आंसर हम कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं। सी सी 789 बी आपका आंसर है, सोनू शर्मा आपका। चलिए ज्योति कुमारी 23 के बी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, इसका कौन सर्जन अंग का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह ब्रिक जो है उस सर्जन अंग का क्या करता है, कार्य करता है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। तो 24 में दिया गया है, वो आपका 24 क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, ब्रिक का क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई इनमें से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है मेंडुला होता है, ऑप्शन नंबर बी है नेफ्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर सी है पहली वस होता है, और ऑप्शन नंबर डी है कॉर्टेक्स होता है। आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में दें। सही बच्चे का कमेंट देख रहे हैं जी, कांग्रेस राज बी, शिवांशका राज 24 के बी, राकेश जी बी, संगज कुमार बी, रविकांत कुमार बी, ब्यूटी कुमारी बी, आयुष जी है बी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, विभिन्न क्रियाओं के फल स्वरूप बहने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, विभिन्न क्रियाओं के फल स्वरूप बहने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका पाचन तंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जो भी बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर जानते हो वह कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे,
इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या डी, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह डी हो जाएंगे उत्सर्जन तंत्र। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, ऑप्शन नंबर ए है धमनी, ऑप्शन नंबर बी है कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है सीरा और ऑप्शन नंबर डी है कैना वैकानकेव वैका वैनाकेव। आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में दे। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, वैका वैना केव हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है 27 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए तीन बेसम, बेसम को पढ़े होंगे कोष्टक, यानी तीन बेसम, चार बेसम, पांच बेसम या दो बेसम। आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए इसका जो आप जानते हैं इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चार चेंबर या चार कोष्टक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाई जाती है, यह हर बच्चे जो है सभी जानते हैं कि लार में क्या पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन में दिया गया है लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाइपेज होता है, ऑप्शन नंबर बी है टाइलिन होता है, ऑप्शन नंबर सी है पेंसी नोनेज होता है और ऑप्शन नंबर डी है गैस्ट्रिन होता है, ऑप्शन नंबर डी में गैस्ट्रिन। आप जानते इसका आंसर जानते हो तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, सभी बच्चे का हम कमेंट देख रहे हैं जी। चलिए संगज कुमार 28 के बी, कांग्रेस राज 28 के बी, आयुष कुमार 28 के बी, शिवांशका राज 28 के बी, ज्योति कुमार 28 के बी, चलिए रविकांत कुमार 28 के बी। चलिए इसका जो आंसर हम देखते हैं इसका जो आंसर जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी टाइलिन, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह क्या है बी टाइलिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर जो 29 है जिसमें दिया गया है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए है 100 mg, ऑप्शन नंबर बी है 30 mg, ऑप्शन नंबर सी है आप बी में 30 mg, ऑप्शन नंबर सी में 20 mg और ऑप्शन नंबर डी में आपका 40 mg है। आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी दीजिए, सभी बच्चे का हम कमेंट देख रहे हैं जी। चलिए ब्यूटी कुमारी आपका बी है, मंटू कुमार राज बी है, प्रिया रानी 29 के बी, चलिए बहुत बढ़िया। और बच्चे सभी बच्चे जवाब दीजिए, कांग्रेस राज 28 बी है, राकेश जी बी है, आयुष कुमार बी, संगज कुमार बी, कांग्रेस राज बी। चलिए अब इसका जो आंसर जो होते हैं वह करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी 20 mg, जो होता है इसमें क्या होता है यूरिया उपस्थित होता है। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वह करेक्ट आंसर जो देखते हैं वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी 20 mg। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो दिया गया है जिसमें मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, क्वेश्चन समझिए, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र है जो किसका भाग है, ऑप्शन नंबर ए है पोषण का भाग है, ऑप्शन नंबर बी है श्वसन का भाग है, ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन का भाग है, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन का भाग है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिए, सभी बच्चे का हम कमेंट देख रहे हैं। चलिए
चलिए प्रिया रानी 30 के सी, ज्योति कुमारी 30 के सी, राकेश जी 30 के सी, रुदल कुमार 30 के सी। चलिए अब आएंगे संगज कुमार 30 के सी, ब्यूटी कुमार 30 के सी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी उत्सर्जन। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या होंगे, उत्सर्जन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 31 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है श्वसन। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है नहीं, समझ लीजिए। यह श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 20%, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 20%, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 40%, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 50%, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 30%। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। सभी बच्चे का हम कमेंट देख रहे हैं, कौन कौन बच्चे इसका आंसर देते हैं। प्रिया रानी 31 के ए है, गोलू कुमार 31 के ए, मंटू कुमार ए, ब्यूटी कुमारी ए, रुदल जी ए है, बहुत बढ़िया, निखिल कुमार ए, रविकांत कुमार ए, आयुष कुमार ए, संगत जी ए। चलिए इसका जो हम आंसर जो हो जाएंगे, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वह करेक्ट जो हो जाएंगे 20% होता है, इसमें आपको क्या पाई जाती है, ऊर्जा जो है ताप के रूप में बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है वह प्रकरण जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन, वह प्रकर्म जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए में श्वसन, ऑप्शन नंबर बी में पोषण, ऑप्शन नंबर डी में उत्सर्जनशीलता, और ऑप्शन नंबर डी है उत्सर्जन उत्तेजनशीलता, और ऑप्शन नंबर डी में है उत्सर्जन। आप जानते हैं इसका आंसर जानते हैं तो इसका जल्द से जल्द कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। गोलू जी ए, आंसर इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वह श्वसन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए उच्च रक्तचाप होता है, ऑप्शन नंबर बी घेंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी मधुमेह रोग होता है, और ऑप्शन नंबर डी बौनापन होता है। इसका जो आंसर हो जाएंगे बच्चे, सही बच्चे जानते होंगे, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह सी हो जाएंगे, मधुमेह रोग। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, मधुमेह रोग। इसका जो आंसर जो है यहां पर देखिए है नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो मधुमेह रोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है जिसमें कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी जल, और ऑप्शन नंबर डी सूर्य का प्रकाश। आप इसका आंसर जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह सूर्य का प्रकाश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होता है, ऑप्शन नंबर ए चेतना के रूप में, ऑप्शन नंबर बी आवेग के रूप में, ऑप्शन नंबर सी उद्दीपन के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी संवेदना के रूप में। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएंगे, जिसको इसका जो सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे वह आपका क्या है, सी आपका उद्दीपन। आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं, अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।